नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरी किशोर और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किशोर टिकटॉक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सैमसंग मोबाइल फ़ोन के कस्टमर केयर से कैसे बात कर सकते हो। और दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में बात करके भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूँ कि जैसे हमारे सिम कार्ड में कोई प्रॉब्लम होता है तो हम आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन के कस्टमर केयर से बात करते हैं। उसी तरह अगर हमारे सैमसंग के फ़ोन में कोई प्रॉब्लम होता है, सेटिंग से कोई प्रॉब्लम हो जाता है, या कोई प्ले स्टोर या ईमेल आईडी डालते समय, कुछ भी डालते समय, या कोई फ़ोन में इशू होता है जो आपको पता नहीं है, तो आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप सैमसंग का कस्टमर केयर का नंबर के बारे में बात करूं, तो अगर आप सैमसंग का मोबाइल यूज करते हैं तो आपके फ़ोन में ऑलरेडी सैमसंग का नंबर सेव होगा, कस्टमर केयर का नंबर सेव होगा। जैसा कि देखिए, मैं अपने फ़ोन के कॉन्टेक्ट में जाता हूँ और सर्च में लिखता हूँ सैमसंग, तो आप देख सकते हैं सैमसंग हेल्पलाइन नंबर आ चुका है मेरे मोबाइल में, जैसा कि 1800-407-26-78-64। तो दोस्तों, इसको मैं डायल कर देता हूं, आप नंबर देख लीजिए, वैसे आपके मोबाइल में सेव ही होता है। और इससे मैं कॉल कर देता हूं, तो मैंने कॉल कर दिया। We are currently operating with limited resources in adherence to safety guidelines issued by the government. As a result, you may experience a delay on this call. For urgent assistance, please connect with us through live chat on www.samsung.com/in/support. दोस्तों, जब तक ये कुछ बोल रहा है, जब तक हम वेट कर लेते हैं। We regret the inconvenience. सैमसंग में कॉल करने के लिए धन्यवाद। हम सरकार द्वारा जारी की गई सुरक्षा निर्देशों का पालन करते हुए सीमित संसाधनों के साथ काम कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप आप इस कॉल पर देरी का अनुभव कर सकते हैं। तत्काल सहायता के लिए कृपया कनेक्ट करें, लाइव चैट के माध्यम से विजिट करें www.samsung.com/in/support या कनेक्ट करें सैमसंग मेंबर्स ऐप के द्वारा। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। फॉर इंग्लिश प्रेस 1, हिंदी के लिए 2 दबाएं। तो दोस्तों, आपको 2 दबाना है। प्रोडक्ट संबंधित जानकारी या रिपेयर रिक्वेस्ट के लिए 1 दबाएं। सर्विस रिक्वेस्ट का स्टेटस या डेमो या इंस्टॉलेशन रजिस्टर्ड मोबाइल फोन की जानकारी के लिए 1 दबाएं। टीवी, कैमरा, ऑडियो वीडियो प्रोडक्ट्स। इस कॉल के बाद हम सैमसंग कस्टमर केयर के साथ आपकी बातचीत के बारे में एक संक्षिप्त सर्वे करना चाहते हैं। सर्वे में भाग लेने के लिए 1 दबाएं। यदि नहीं तो कृपया 2 दबाएं या लाइन पर बने रहें। दोस्तों, आपको कुछ नहीं दबाना, आप वेट कीजिए। प्रिय ग्राहक, ये कॉल प्रशिक्षण और गुणवत्ता आश्वासन के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। वायरस या COVID-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, पर याद रहे, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं, उनसे। हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी मैम, सुन पा रहा हूँ जी। मैम, मैंने नया सैमसंग गैलेक्सी M21 फोन लिया है। ओके, तो इसमें नेटवर्क इशू आ रहा है, जैसा कि कभी इंटरनेट चलता नहीं, बाकी के रेडमी के फोन है उस समय इंटरनेट अच्छे से चलता है, लेकिन इसमें नहीं चलता रहता है। Okay. तो दोस्तों, मैंने आपको बात करके दिखाया सैमसंग के कस्टमर केयर से, तो आप भी इसी तरह बात कर सकते हो। अगर दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।